हे व्हाट्सअप गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो फिर आज आप लोग को कुछ इस तरीके से फोटो एडिटिंग सिखाएंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ताकि बहुत भाई लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि RDX भाई जब भी PicsArt एप्लीकेशन के अंदर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं तो ब्लैक ब्लैक शो कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, यानी आप लोग का वीडियो शो नहीं कर रहा है और आप लोग स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालने के लिए, तो आप लोग का रील्स तैयार नहीं हो पा रहा है। और तैयार नहीं होगा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे रील्स डाल नहीं सकते हैं, एंड डालेंगे तभी आप लोग का वीडियो वायरल होगा और फॉलोअर्स गेन होगा। ठीक है भाई, तो आप लोग वीडियो नहीं डालेंगे अगर आप लोग का PicsArt एप्लीकेशन के अंदर वीडियो बनाएंगे ब्लैक ब्लैक आ जाएगा तो आप लोग कैसे बना के डालेंगे? ठीक है भाई, तो बहुत भाई लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए RDX भाई। ठीक है, तो उसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। वीडियो को स्किप नहीं करना है आप लोग को। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग जानना चाहते होंगे अगर PicsArt एप्लीकेशन के अंदर ब्लैक ब्लैक आ जाता है तो हम लोग एक और एप्लीकेशन से आप लोग स्क्रीन शॉट रिकॉर्डर चालू करके और आप लोग इंस्टाग्राम पे रील्स डाल के आप लोग फॉलोअर्स को बहुत अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं फॉलोअर्स। ठीक है भाई, और आप लोग कुछ इस तरीके से फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। तो फिर अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए फ्रेंड, वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिर आप लोग को क्या करना होगा, इस फोटो को आप लोग बिफोर आफ्टर देख लीजिए। देखिए जो हमारा एडिट हुआ है पहले से फोटो, उस फोटो को आप लोग शेयर कर लेंगे ऑटोमेटिक स्केचबुक के अंदर। पहले आप लोग रील्स बनाते होंगे इंस्टाग्राम पे डालने के लिए फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, तो आप लोग PicsArt एप्लीकेशन के अंदर शेयर करते होंगे। और आप लोग जब भी अब की बात बता रहा हूँ मैं, अगर इस टाइम आप लोग PicsArt एप्लीकेशन के अंदर शेयर करेंगे फोटो को एंड रील्स बनाएंगे वीडियो एडिटिंग करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करके, तो आप लोग के PicsArt एप्लीकेशन के अंदर ब्लैक ब्लैक आ जाएगा। यानी मतलब आप लोग का वीडियो शो नहीं करेगा, सिर्फ ब्लैक ही दिखेगा, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा ऑटोटेक स्केचबुक के अंदर। और आप लोग के लिए मैं एक नया ट्रिक लाया हूँ। ठीक है भाई, तो शेयर करने के बाद सिंपली आप लोग को देखिए इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। देन उस पर क्लिक करने के बाद देखिए आप बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11। ठीक है मेरे भाई, देखिए टाइम लैप्स। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को इंपोर्ट इमेज लिखा होगा। देखिए गैलरी का ऑप्शन है, प्लस वाला आइकन है, तो सिंपली आप लोग को क्लिक करना होगा इंपोर्ट इमेज पे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए तो कुछ इस तरीके से आप लोग गैलरी के अंदर आ जाएंगे। उस पर क्लिक करने के बाद और जिस फोटो का आप लोग रील्स बनाना चाहते होंगे बिफोर आफ्टर, पहले तो आप लोग जो एडिट करके रखे होंगे फोटो को, उस फोटो को आप लोग शेयर कर लीजिएगा ऑटोडेस्क के स्केच बुक के अंदर। उसके बाद देखिए पहले वाला फोटो को ले लेना है। ठीक है, और फोटो पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं बैक आकर के। ठीक है भाई, फिर से आपको शेयर करके दिखाते हैं, इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। पूरा वीडियो आज कीजिएगा फ्रेंड, और आज का वीडियो बहुत नया ट्रिक है, आज का एडिटिंग बहुत एकदम नया ट्रिक है। ठीक है भाई, तो देखिए शेयर कर चुके हैं। शेयर करने बाद सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उस पर क्लिक करने बाद देखिए इंपोर्ट इमेज है, उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिक आप लोग के गैलरी के अंदर आप लोग को चले जाना है। देखिए गैलरी पे क्लिक किए हैं एंड एल्बम पे क्लिक कर दे रहे हैं और ऑल फोटोज में आ जाएंगे। और देखिए जो फोटो है रो फोटो है हम लोग का, देखिए एक दो बिफोर है एंड आफ्टर है, तो बिफोर फोटो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो किस तरीके से एक ही में मिक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, मिक्स होने के बाद देखिए यहाँ सही वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। और आज का देखिए फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत भाई लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि PicsArt एप्लीकेशन के अंदर ब्लैक स्क्रीन आ जा रहा है, तो उसी का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दिया हूँ आप लोग के लिए। मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट ढूंढता रहता हूँ। ठीक है भाई, तो वीडियो का आप लोग को स्किप नहीं करना है। देखिए इतना हो गया ना, इतना होने के बाद सिंपली आप लोग देखिए कुछ करना नहीं है। देखिए तीसरा नंबर पे पेंसिल वाला आइकन, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ बहुत सारा ब्रश है, देखिए यहाँ बहुत सारा टूल्स है, तो आप लोग देखिए फिर अच्छे से फोकस कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो सिंपली फिर देखिए इस वाले ब्रश को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला ब्रश है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और सेटिंग आपको दिखा देते हैं, देखिए अमाउंट इरेज को देखिए कुछ इस तरीके से रखिएगा, पूरा 100 कर दीजिएगा, और साइज को अपने हिसाब से रखना है। ठीक है भाई, और फोटो को जूम कर लेंगे या जूम नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, आप लोग को तो रील्स बनाना होगा इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। और आप लोग जब इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएंगे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, तभी तो आप लोग का वीडियो वायरल होगा और अच्छा खासा फॉलोअर्स आप लोग गेन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से हो गया ना, इतना करने बाद आप लोग अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर लीजिएगा। चालू करने बाद कुछ इस तरीके से साइज को बड़ा छोटा आप लोग कर लीजिएगा और देखिए कुछ इस तरीके से अप्लाई कीजिएगा आप लोग अपने फेस के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए कितना अच्छे से
आप लोग देखिए फिर, आप लोग को बता रहा हूँ मैं, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करके और बनाइएगा वीडियो, तभी आप लोग का वीडियो बन पाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए कितना अच्छे से हम लोग इस तरीके से वीडियो बना लिए हैं, और बहुत भाई लोग बोल रहे थे भाई पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर ब्लैक आ जा रहा है भाई, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके और मैं बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाया हूँ आप लोग के लिए, बस आप लोग सपोर्ट ऐसे करते रहिए और बस आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहिए, और आपका भाई RDX एडिटिंग से रिलेटेड ऑल टाइप का फोटो एडिटिंग अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डालता रहूँगा। अगर आप लोग को देखना है बेका करके तो सिंपली आप लोग देखिए, एक गोल सा बिंदु है उस पर क्लिक करेंगे, एक एरो का निशान है उस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए जो भी आप लोग का इरेज किए होंगे सारा शो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है भाई। और बॉरस आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा और कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है भाई। तो आई होप कि फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग डायरेक्टर से वीडियो डालू तब तक नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।